थोड़ा जल्दी आ गया। जो हमारे दादी जी हैं वो तो गई, आज सुबह सुबह थोड़ा जल्दी आ गया हूँ मैं। ये देखो आज मैं 6 बजे आ गया हूँ, मतलब 6:30 से ऊपर हो गया टाइम, अभी आ गया 6 बजे को उठा हूँ। चलिए दोस्तों अपनी रनिंग जो शुरू करते हैं अब। तो दोस्तों आज का जो मॉर्निंग वर्कआउट सेशन था कंप्लीट हो गया। 2 स्प्रिंट लगाए मैंने, मेडिटेशन सब कुछ कर लिया। अब जाते हैं घर, फ्रेश होते हैं, फिर अपनी जो दिनचर्या उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो बने रही वीडियो में। आज हमारा 2nd डे है और आज भी काफ़ी पॉजिटिव फील हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों आज काफ़ी थक गया यार मैं। आई डोंट नो वाई, क्योंकि शायद इतना भी एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है जिस हिसाब से आना चाहिए, लेकिन कोशिश पूरी करूँगा। चलिए चल। तो अभी समय 9:45 हो रहे हैं और देखता हूँ क्या चल रहा है आज। यहाँ जो हमारे दादी जी हैं वो पानी दे रहे हैं, जो प्याज लगाया है, लहसुन वगैरह लगाई है उसको, तो 2 दिन में एक बार पानी देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सूख जाते हैं। ये हमारे बैल रहे, ये मेरा घर है और ये कुछ हरियाली। दिस इज़ द व्यू गाइस, जहाँ माहौल की वजह से मैं बैठा रहता हूँ, ऊपर मज़ा आ गया। लंच करने आया हूँ टेरेस पे और भाई वहाँ एक अंकल है ठंडे पानी से नहा रहे हैं। भाई हमसे गर्म से नहीं आता वहाँ पे, वो ठंडे पानी से नहा रहे हैं, वो देखो बढ़िया है। 3 hours later तो गाइस नाउ इट्स टाइम टू इवनिंग वर्कआउट सेशन। सो 5:30 हो चुके हैं, अब चलता हूँ। चलिए दोस्तों अब सीधे रनिंग करते हैं, टाइमिंग लगाते हैं कितने टाइम में हम लोग पहुँचते, फिर आगे मिलेंगे।
चलिए दोस्तों, हमने डे टूर का अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अंधेरा काफ़ी हो गया, सो लेट आया था और तेल निकल गया। चलो बढ़िया है, अंधेरा काफ़ी हो गया, अब घर चलते हैं और बाकी फ्रेश होते हैं, फिर और ना जाके काम शुरू करते हैं। और गाइस आज डे टू है, 21 डे तक कंप्लीट करना है, तो डे टू भी आज अच्छे से चला गया। आई होप ये जो बाकी के 19 डेज बचते हैं उनको भी पूरा करूँ। मैं घर तक भी भागता हो जाऊँगा ताकि जो बाकी की हमारी रह गई कसर वो पूरी कर लूँ। उफ, तो गाइस 8 बज चुके हैं, दादी के पास आया, दादी ने मुझे दूध दे दिया, दूध पी लेते हैं। और ये मेरी सिस्टर सानी है, ये दादी है और ये आग जलाई है। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलेंगे कल फिर अपने 3rd डे के साथ।